शमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। आपको अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 24 सितंबर 2022 को बनारस पैलेस एंड वॉकवेडो हॉल छियानपुर कलेक्ट्री फॉर्म में आयोजित किया जा रहा है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, ओबीसी के ऊपर हो रही अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ओबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाने जैसे तमाम मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। आजादी के 75 वर्षों में देश में सबसे बड़ा अन्याय ओबीसी समाज के साथ हो रहा है। राजनीतिक दल के पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लेते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए कार्य नहीं करते। उन्होंने कहा कि दुखद है कि आज़ादी के 75 वर्षों में देश में जानवरों की गिनती हुई मगर ओबीसी के जनगणना नहीं हुई, जबकि देश की आधी से अधिक आबादी ओबीसी की है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश के 22 राज्यों निरंतर कार्य कर रहा है। ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत बनाने की दिशा में यहाँ अधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा। अधिवेशन का उद्घाटन माननीय नंद कुमार बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी महासभा मुख्य अतिथि प्रोपराइटर जनार्दन यादव, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय वामन मिश्राम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेफ करेंगे। अधिवेशन में प्रमुख रूप से श्री चंद सैनी, संपादक सैनी मोर्चा दीपक चौरसिया, शिव दयाल चौरसिया जी के प्रपौत्र रमेश शंकर विद्यार्थी, पूरे सांसद वीर पाल सिंह री आई ए एस, राघो सिंह शंथवार री आई ए एस, राम लखन सोनी, विशेष अतिथि पुष्पा यादव, राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ डॉक्टर रघुनंदन निषाद, वीरांगना फूलन देवी के भांजे राजा राम प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव प्रजापति महासभा रविंद्र कुशवाहा, स्टेशन अधीक्षक सिया राम राजभर, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन सहित 22 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विक्रम पटेल जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाराणसी, रिपोर्ट संवाददाता वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। निषाद जी भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ये सियाराम राजभर जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय राजभर संगठन के, वो शामिल हो रहे हैं। कहाँ कहाँ से इस प्रोग्राम में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं, कितनी संख्या? देश में 22 राज्यों में हमारा संगठन है, तो 22 राज्यों से प्रतिनिधि कम और ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आएंगे। और देश भर की एक बहुत बड़ी ओबीसी का ये एक विचार मंथन के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से कम ओबीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे कि पिछड़े वर्ग को हक अधिकार कैसे दिलाया जाए, क्योंकि देश में पिछड़े वर्ग की आबादी ज़्यादा है। हमारा वोट भी सभी राजनीतिक दल ले रहे हैं, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए खास तौर से ये राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग वाराणसी में कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद एक निकलेगा